फरुखाबाद से खबर है, जहां नवागत एसपी आलोक प्रियदर्शी ने आज फतेहगढ़ पुलिस लाइन पहुंचकर अपना चार्ज संभाल लिया है। फरुखाबाद बदायूं बॉर्डर पर अटेना पुल से फरुखाबाद पहुंचे एसपी आलोक प्रियदर्शी का कंपील पुलिस द्वारा स्वागत किया गया। फतेहगढ़ पुलिस लाइन की ओर जाते समय विभिन्न स्थानों पर पुलिस अधिकारियों ने नवनियुक्त एसपी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लगभग 3:30 बजे एसपी आलोक प्रियदर्शी फतेहगढ़ पुलिस लाइन के कंपोजिट पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां एएसपी डॉक्टर संजय सिंह ने बुक देकर उनका स्वागत किया और नवनियुक्त एसपी ने गार्ड ऑफ आनर की सलामी ली। इसके बाद एसपी आलोक प्रियदर्शी 1 घंटे तक कार्यालय के अंदर मौजूद रहे और अधिकारियों से बातचीत करते रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार जो भी आदेश होंगे उनका अनुपालन करना हमारी प्राथमिकता होगी। उन्होंने अपराध के खिलाफ शासन की जीरो टॉलरेंस नीति का 100% पालन कराने का आश्वासन दिया। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने यह भी कहा कि जनपद में जो भी संवेदनशील मुद्दे हैं उन्हें 1x1 एड्रेस करके नियंत्रण में रखा जाएगा और जनता की शिकायतों की सुनवाई को बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, शासन के निर्देशों का अनुपालन करना है, तो क्राइम के ऊपर जो नो टॉलरेंस की नीति है उसके आधार पर काम करना है। जनपद के जो भी संवेदनशील इशू हैं उनको 1x1 एड्रेस करके और स्थिति को नियंत्रण में रखना है और जनता की सुनवाई करनी है और जो भी शासन के आदेश निर्देश हैं उनका अनुपालन करना है।